मेरा नाम प्रबल है और आज की ये कहानी मेरे और मेरे दोस्त कुणाल के साथ घटित घटना पर आधारित है। 1986 की बात है, तब मेरे पापा अकेले शहर में रहकर नौकरी करते थे और बाकी हम सब हमारे गांव में ही रहते थे। गांव में मैं, मेरे दादाजी, दादी, माँ और मैं, हम सब रहते थे। मेरे पापा छुट्टियों में ही घर आते थे, तब मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता था। कुणाल और मैं काफ़ी पक्के दोस्त थे, वो भी मेरे साथ ही पढ़ता था। उनका घर हमारे घर से बस 2 घर छोड़कर ही था। हम दोनों गांव के सरकारी स्कूल में ही पढ़ा करते थे। स्कूल की छुट्टी होते ही हम दोनों खेलने चले जाते थे। हमारे स्कूल के पीछे एक बड़ा सा मैदान था, हम दोनों और स्कूल के सारे बच्चे उसी मैदान में ही खेलते थे। मैदान से ठीक लगकर जंगल शुरू होता था। गर्मी के दिनों में हम सब बच्चे जंगल में ही खेला करते थे, क्योंकि दोपहर को भी वहाँ ठंड लगती थी। एक बार ऐसे ही मैं और कुणाल, हम दोनों दोपहर को जंगल में खेलने चले गए। कई देर खेलने के बाद हमें बहुत थकान हुई और प्यास भी लगने लगी थी। वहीं पास में ही एक तालाब था, तो हम दोनों वहीं पानी पीने चले गए। मैं पानी पी रहा था, तभी कुणाल ने मुझे तालाब में धक्का दे दिया और जोर जोर से हंसने लगा। फिर मैंने भी कुणाल को तालाब में खींच लिया। गर्मी के कारण तालाब में काफ़ी मज़ा लग रहा था। शाम 4 बजे तक हम दोनों तालाब में ही खेलते रहे। फिर बाहर आकर एक पेड़ के नीचे कपड़े सुखाने लगे। कपड़े सुखाकर हम दोनों उसी पेड़ के नीचे ही लेट गए और कब हमारी आँख लग गई हमें पता नहीं चला। जब मेरी आँख खुली तो देखा चारों ओर अंधेरा हो चुका था। मैंने तुरंत कुणाल को जगाया, वो भी उठ गया और चारों ओर देखकर अचानक से चौंक गया। तब शायद शाम के 7 बज चुके थे। हम दोनों तुरंत घर की ओर बढ़ने लगे, तभी अचानक हमें दूर से एक अजीब आवाज़ सुनाई देने लगी। हम दोनों रुक गए और उस आवाज़ को गौर से सुनने लगे। वो एक काफ़ी अजीब आवाज़ थी, वो हमारे बाएं ओर से आ रही थी। कुणाल ने कहा, चल भाई देखते हैं आखिर ये क्या चीज़ है। फिर हम दोनों आवाज़ की दिशा की ओर बढ़ने लगे। कुछ दूर जाने के बाद हम अचानक रुक गए। हमने देखा काले कपड़े पहने 4 लोग एक अजीब सा मंत्र बुदबुदा रहे थे। उन सब के हाथों में एक एक दिया और एक एक थैला था। शायद वो लोग कोई तंत्र मंत्र करने जा रहे थे। कुणाल ने कहा, चल भाई उनका पीछा करते हैं, शायद वो लोग खजाना काट रहे होंगे। मैंने कहा, बिल्कुल नहीं कुणाल, काफ़ी देर हो चुकी है, चल घर जाते हैं, नहीं तो माँ बहुत डांटेगी। कुणाल ने कहा, अरे छोड़ यार, माँ का तो काम है डांटना, अगर हमें खजाना मिल गया तो सब कितने खुश होंगे, ये भी तो सोच। फिर मैं ना चाहते हुए भी कुणाल के साथ उन 4 लोगों के पीछे पीछे चलने लगा। कुछ दूर आगे जाने के बाद वो सब अचानक एक पेड़ के नीचे रुक गए और एक बहुत ही भयानक मंत्र जाप करने लगे। वो सब काफ़ी डरावना था। हम दोनों छुपकर ये सारा नज़ारा देख रहे थे। कुछ देर बाद वो चारों पेड़ के नीचे एक गड्ढा खोदने लगे। फिर उन सब ने अपने अपने दिए और थैले उस गड्ढे में दबा दिया और गड्ढा बंद करके वहाँ से कहीं चले गए। कुणाल ने कहा, उस गड्ढे में शायद कुछ छुपा कर चले गए वो लोग, चल देखते हैं गड्ढे में क्या छुपाया है उन लोगों ने। मैंने कहा, सुन कुणाल, ये सब ठीक नहीं है। मेरे दादाजी हमेशा कहा करते हैं ऐसी चीज़ों से दूर रहने के लिए, पर कुणाल नहीं माना और जाकर उस गड्ढे को दोबारा खोलने लगा। कुणाल ने कहा, अरे भाई यहाँ तो हमारे काम का कुछ भी नहीं है। मैंने पूछा, क्या है गड्ढे में? कुणाल ने कहा, एक लाल चुनरी, 2 काली चूड़ी, 1 सिंदूर की डिब्बी, अगरबत्ती और 1 छोटा सा आईना, बस। फिर कुणाल और मैं अपने घर वापस आने लगे। घर पहुँचते पहुँचते रात के 8 बज चुके थे। माँ ने खूब डांटा मुझे। तभी अचानक पिताजी घर आ गए। उनके आते ही माँ ने डांटना बंद कर दिया।
और घर में एक अच्छा माहौल हो गया था। फिर हम सब ने खाना खाया और मैं पिताजी के साथ आंगन में जाकर सो गया। रात को अचानक मेरी आंख खुली, कोई जोर जोर से हमारा दरवाज़ा खटखटा रहा था। पिताजी ने दरवाज़ा खोला तो पता चला कि कुणाल अपने घर से गायब है। पिताजी और मैं हम दोनों कुणाल के घर गए तो वहाँ कुणाल की माँ रो रही थी। फिर गांव के कुछ लोग, पिताजी और मैं, हम सब कुणाल को ढूंढने चले गए। कुणाल कहीं नहीं मिल रहा था। फिर हम सब जंगल की ओर उसे ढूंढने गए। जिस जगह पे मैं और कुणाल गए थे, जहाँ वो गड्ढा था, उसी गड्ढे के पास ही कुणाल बेहोश पड़ा था। फिर हम सब कुणाल को लेकर उसके घर आ गए। कुणाल को बचपन से नींद में चलने की बीमारी थी, तो सबने सोचा शायद इसीलिए वो चलते हुए वहाँ चला गया होगा। पर मुझे ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा था, पर डर के मारे मैं किसी को कुछ बता भी नहीं पा रहा था। अगली सुबह मैं कुणाल को मिलने चला गया। उसे काफ़ी बुखार था। डॉक्टर आए थे और उसे दवा देकर चले गए थे। कुछ देर बाद जब बुखार कुछ कम हुआ तो मैंने कुणाल से पूछा, तू कल रात कैसे उस जगह चला गया था? ये सुनते ही वो अचानक घबरा गया और डरते हुए कहा, वो मुझे अपने साथ ले जाएगी, वो मुझे मार डालेगी। फिर कुणाल रोने लगा। उसे दोबारा बुखार चढ़ गया और कुछ देर बाद वो सो गया। फिर मैं अपने घर आ गया। मुझे लगा अब सच बता देना चाहिए सबको। घर में मैं अपने दादाजी का सबसे ज़्यादा लाडला था, तो मैं उनके पास गया और उन्हें उस शाम का पूरा किस्सा उन्हें सुनाया। सब कुछ सुनते ही वो काफ़ी घबरा गए और तुरंत कुणाल के घर चले गए। मैं भी उनके पीछे पीछे चला गया। दादाजी ने कुणाल के पिताजी को सब कुछ बताया। तभी कुणाल के पिताजी जाकर गांव के गुनिया को बुलाकर ले आए झाड़ फूक करवाने के लिए। झाड़ फूक करने वाले को हमारे गांव में गुनिया बोलते हैं। कुछ देर बाद गुनिया आ गया और एक भस्म कुणाल के माथे पर लगा दिया। भस्म लगाते ही कुणाल का बुखार तुरंत गायब हो गया। फिर उसने झाड़ फूक किया और एक तावीज कुणाल के गले में बांध दिया और वहाँ से चला गया। शाम तक तो सब ठीक ठाक था, पर ठीक रात को कुणाल के पिताजी हमारे घर आए और पिताजी को लेकर अपने घर चले गए। मैं और दादाजी भी उनके घर गए। वहाँ हमने जो नज़ारा देखा, मेरी तो टांगे सूखे पत्ते की तरह कांपने लगी। हमने देखा कुणाल एकदम जानवरों जैसी आवाज़ निकाल रहा था और उसके बदन पर एक भी कपड़ा नहीं था। एक अजीब सी बदबू चारों ओर फैली हुई थी। तब मेरे दादाजी गायत्री मंत्र पढ़ने लगे, पर कोई फायदा नहीं हुआ और कुणाल जोर जोर से हंसने लगा और एक अजीब डरावनी आवाज में कहा, इन सब मंत्रों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगली अमावस को मैं इस लड़के को अपने साथ ले जाऊंगी। इतना कहकर वो दोबारा हंसने लगा। फिर अचानक से कुणाल चिपकली की तरह दीवार पर रेंगने लगा और रेंगते हुए छत की ओर चला गया। कुणाल को इस हाल में देखकर मुझे डर और दुख दोनों हो रहा था। कुणाल दो आवाज़ों में बात कर रहा था, एक उसकी खुद की और दूसरी एक बहुत ही भयानक आवाज़ थी। फिर मेरे दादाजी मुझे लेकर उनके घर से बाहर आ गए। दादाजी ने मुझे अपने घर भेज दिया और वो दो गाँव वालों के साथ गुनिया को बुलाने चले गए। तब तो मैं घर आ गया था, पर वापस आने के बाद दादाजी ने कहा कि गुनिया डर के मारे गांव छोड़कर चला गया है। तब हम सबको पता चला कि एक बहुत ही भयानक शक्ति कुणाल के शरीर में आ गई है। अगले दिन एक आदमी एक चिट्ठी लेकर हमारे गांव में आया था। वो चिट्ठी कुणाल के पापा के लिए थी। उन्होंने चिट्ठी खोलकर पढ़ा तो मालूम हुआ वो चिट्ठी गाँव की उसी गुनिया ने भेजी थी। उसमें लिखा था, कुणाल के शरीर में जो शक्ति है वो मेरे बस की नहीं है। अब कुणाल को एक ही इंसान बचा सकते हैं, वो है बाबा अघोरानंद। वो तुम्हें पास के गांव के शमशान में ही मिलेंगे। अब बस वही हैं तुम्हारे सहारा जो कि कुणाल को बचा सकते हैं। जल्दी जाओ उनके पास, क्योंकि अमावस को अब कुछ ही दिन बाकी है। चिट्ठी पढ़ने के बाद कुणाल के पिताजी, मेरे दादाजी और दो तीन गाँव वाले तुरंत निकल गए बाबाजी को ढूंढने। दोपहर से रात हो गई
ठीक रात 11 बजे दादाजी, कुणाल के पापा और अघोरानंद जी हमारे गांव में आकर पहुंच गए। बाबा अघोरानंद सच में एक दिव्य पुरुष लग रहे थे। उन्होंने अपने पूरे शरीर में भस्म लगा रखा था और काले कपड़े पहने हुए थे। उस रात पूरा गांव जगा हुआ था। सारे गांव वाले कुणाल के घर के सामने खड़े थे। मैं लोगों के बीच से घुसते हुए कुणाल के घर पर पहुंच गया। कुणाल को एक खटिए पर बांध दिया था। उस रात कुणाल और भी ज़्यादा भयानक लग रहा था। उसका पूरा बदन काला पड़ गया था। आँखों की पुतलियाँ ऊपर की ओर चढ़ गई थी। बाबा अघोरानंद जी को देखते ही कुणाल दोबारा हंसने लगा और कहा, जिसे मर्जी बुला लो, पर मैं इस लड़के को अपने साथ ले ही जाऊंगी। मुझे कोई नहीं रोक सकता। तभी बाबा जी ने एक मंत्र पढ़ा और भस्म कुणाल के ऊपर फेंक दिया। भस्म लगते ही कुणाल सामान्य हो गया और रोने लगा। तब कुणाल की माँ ने उसे पानी पिलाया और खाना भी खिलाया। कुछ देर बाद कुणाल सो गया। सबको लगा कुणाल अब ठीक हो जाएगा, पर बाबा जी ने कहा, अभी खतरा टला नहीं है। मैंने बस कुछ घंटों के लिए उस दुष्ट प्रेतात्मा को बांध दिया है। फिर कुणाल के पिताजी ने कहा, अब क्या करना होगा बाबा जी? बाबा जी ने कहा, इस आत्मा को ख़त्म करना पड़ेगा और इसके लिए पहले हमें इसे जानना पड़ेगा, ये सब कब से और कहां से शुरू हुआ। फिर डरते हुए मैंने सब कुछ बाबा जी को बता दिया। फिर उन्होंने कहा, हमें उसी जगह जाना पड़ेगा जहां से ये सब शुरू हुआ था। फिर बाबा जी, दादाजी, मैं और कुणाल के पिताजी और कुछ गांव वाले, हम दोबारा जंगल के उसी जगह पर जाने लगे। तब रात के 12:30 बजे हुए थे। मैंने बाबा जी को वो गड्ढा दिखा दिया। बाबा जी उस गड्ढे के पास बैठ गए और ध्यान करने लगे। कुछ देर बाद अचानक से तेज हवाएं चलने लगी और थोड़ा भूकंप भी हुआ, पर कुछ देर बाद सब कुछ शांत हो गया। बाबा जी ध्यान से उठे और कहा, घोर अनर्थ हो गया है। हम सब ने पूछा, क्या हुआ बाबा जी? उन्होंने कहा, कुणाल के शरीर में एक महाचंडालिका का वास है। कुणाल के पिताजी ने पूछा, महाचंडालिका वो क्या है बाबा जी? फिर बाबा जी ने कहा, महाचंडालिका एक खतरनाक प्रेतात्मा होती है। जो गर्भवती औरत अमावस की रात बच्चा पैदा करते हुए मर जाती है, उसकी आत्मा महाचंडालिका बन जाती है। 10,000 आत्माओं की ताकत होती है उसमें। अजन्मे बच्चे की आत्मा और उस औरत की आत्मा, दोनों की शक्तियाँ उसमें होती है, और अमावस की काली रात उसे शैतानी महाचंडालिका बना देती है। जिस गांव में महाचंडालिका बनती है, वो पूरा गांव शापित हो जाता है और वो महाचंडालिका पूरे गांव को शमशान बना देती है। ये सब सुनकर तो हम सब डर के मारे कांपने लगे। फिर कुणाल के पिताजी ने रोते हुए कहा, बाबा जी बचा लीजिए मेरे बेटे को, एक ही तो बेटा है मेरा। बाबा जी ने कहा, महाचंडालिका को ख़त्म करना इतना आसान नहीं है, उसे केवल एक ही शक्ति परास्त कर सकती है। और फिर वो चुप हो गए। फिर हम सब दोबारा गांव आ गए। कुणाल की हालत अब बद से बदतर हो चली थी। हम जब उसके घर पहुंचे तो देखा, कुणाल ने अपने पूरे कमरे में मल मूत्र फैला दिया था और वो अपना ही मल खा रहा था। ये देखकर कई लोगों को उल्टियां हो गई। मैं भी बाहर आकर उल्टी करने लगा। बाबा जी ने तुरंत मंत्र पढ़ा और पानी के छींटे कुणाल पर मारा तो वो दोबारा बेहोश हो गया। फिर पूरे कमरे को साफ करवाया, कुणाल को भी नहलाया और उसे कपड़े पहनाए। बाबा जी ने कहा, अभी तो सुबह हो गई है, मैं शाम को सारी सामग्री लेकर आऊँगा। हम ठीक 7:00 बजे अनुष्ठान आरंभ करेंगे। बस मेरे आने तक कुणाल का ध्यान रखना। तब सुबह के 4 बज चुके थे। सब लोग अपने अपने घर चले गए। मैं भी अपने घर आकर सो गया। सुबह 10 बजे मेरी नींद खुली तो देखा घर में सामान्य माहौल था। बस दादाजी घर में नहीं थे। मैं नहाया धोया और नाश्ता करके कुणाल को देखने चला गया। वहाँ मेरे दादाजी भी थे। कुणाल आराम से सो रहा था। कुणाल बहुत पतला हो गया था। बेचारे को देखकर मुझे तो रोना आ गया।
दादाजी ने कहा, मत रो बेटा, कुणाल ठीक हो जाएगा, बस आज शाम होने की देर है, बाबा जी आते ही सब ठीक कर देंगे। ऐसे चलते हुए शाम हो गई और ठीक 6 बजे बाबा जी अपने कुछ शिष्यों के साथ गांव में आ गए। गांव के बीच चौराहे पर बाबा जी के शिष्य सफाई करने लगे, अनुष्ठान वही होने वाला था। फिर उनके एक शिष्य ने आते से एक बड़ी सी गोलाई बनाई जमीन पे और बीच में हवन कुंड बनाया और कुणाल को नहला कर लाने के लिए कहा। कुणाल अभी भी बेहोश था। कुणाल के पिताजी उसे नहला कर सफ़ेद कपड़े पहनाकर उसे उठाकर बाहर लाए। फिर बाबा जी ने कुणाल को ठीक उनके सामने रखने को कहा। कुणाल को जमीन में रखने के बाद बाबा जी ने उसके पैरों में बेड़िया डाल दिया और उसके पूरे शरीर में भस्म लगा दिया। हम सब गांव वाले ये सब देख रहे थे। सबके मन में थोड़ी बहुत डर और घबराहट थी। घबराहट के मारे मेरे तो दोनों हथेली पसीने पसीने हो गए थे। फिर बाबा जी के चारों शिष्य चौराहे के चार कोनों में जाकर बैठ गए। बाबा जी और उनके शिष्यों ने जोर जोर से मंत्र पढ़ना शुरू किया। कुछ ही देर में अचानक बिजली के बल्ब की तरह कुणाल की आंखें जल गई। वो अचानक बेहोशी से उठकर बैठ गया। इस बार कुणाल बहुत ही ज़्यादा डरावना लग रहा था। सच बताओ तो कुणाल कुणाल ही नहीं लग रहा था। फिर कुणाल के शरीर में बैठी वो चंडालिका बोली, अरे भवानंद, तू कुछ भी कर ले, इस लड़के को बचा नहीं सकता, ये मेरा शिकार है। बाबा जी ने कहा, लड़के को छोड़ दे, वो नादान है। तूने अगर लड़के को छोड़ दिया तो मैं तुझे छोड़ दूंगा, नहीं तो। इतना सुनते ही उस चंडालिका ने कहा, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैं महाचंडालिका हूं, महाचंडालिका। तभी अचानक कुणाल बाबा जी के एक शिष्य की ओर देखा और उनका वो शिष्य अचानक दर्द से चिल्लाने लगा और उसका सर एकदम से पीछे घूम गया और वो बेचारा वही मारा गया। तब कुणाल के शरीर में बैठी चंडालिका जोर जोर से हंसने लगी और कहा, देखी मेरी ताकत, और दोबारा हंसने लगी। बाबा जी अब बहुत ही क्रोधित हो गए थे और ध्यान मुद्रा में बैठकर जाप करने लगे। करीब आधे घंटे बाद अचानक बाबा जी कांपने लगे और हम सब ने देखा बाबा जी की ठीक पीछे बहुत ही तेज किरणें दिखने लगी और देखते ही देखते वो किरणें आकार लेने लगी। वो आकार 10 फीट ऊंचा एक राक्षस की तरह दिख रहा था। उसे देखते ही चंडालिका की हंसी बंद हो गई और कुणाल बेहोश हो गया और कुणाल के मुंह से काला धुआं बाहर निकलने लगा और वो धुआं भी एक भयानक औरत की आकार में आ गई। वही थी महाचंडालिका। तभी वो तेज किरणों वाला राक्षस ने महाचंडालिका को दबोच लिया और उसके 2 टुकड़ों में फाड़कर कच्चा चबा गया और फिर अचानक से सब कुछ शांत हो गया। वो राक्षस भी अब गायब हो गया और बाबा जी बेहोश हो गए। फिर उनके शिष्यों ने उन्हें जगाया और पानी पिलाया। अब कुणाल भी ठीक ठाक लग रहा था, उसके शरीर का कालापन भी चला गया था। बाबा जी ने कुछ देर बाद सबको बताया, वो तेज किरणों वाला राक्षस नहीं था, वो ब्रह्मवीर था। कितनी भी बड़ी सैतानी शक्ति क्यों ना हो, ब्रह्मवीर के आगे कोई नहीं टिक सकता। फिर हम सब ने पूछा, ब्रह्मवीर क्या होते हैं बाबा जी? उन्होंने कहा, जब कोई ब्राह्मण धर्म की रक्षा हेतु मृत्यु को प्राप्त होता है तो उसकी आत्मा ब्रह्मवीर बन जाती है। उसमें असीम शक्तियाँ होती हैं, उसे कोई साधारण साधक सिद्ध नहीं कर सकता। उसे सिद्ध करने के लिए भी साधक में असीम ऊर्जा होनी चाहिए। फिर कुछ देर बाद बाबा जी और उनके शिष्य वहाँ से लौट गए। अगले दिन कुणाल को हॉस्पिटल में ले जाया गया। डॉक्टर ने कहा, सब कुछ ठीक है, बस थोड़ी कमजोरी है। कुछ दिनों बाद कुणाल एकदम से ठीक हो गया। तो ये थी दोस्तों आज की कहानी। कहानी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और चैनल को ज़रूर ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।